दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके दोस्त अदिति, आप बने हुए आपकी अपनी दोस्त अदिति के साथ कोटड़ा टाइम्स में। अब समय हो चुका है कार्यक्रम विद्यालय दर्शन का। विद्यालय दर्शन में आप सभी जानते हैं, आप हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे एक नए विद्यालय की स्थिति को देखते हैं। एक दिन में आप एक विद्यालय की स्थिति को देख पाते हैं। स्कूल की स्थिति कैसी है, स्कूल का भवन कैसा है, खाना कैसा बनता है, शौचालय वगैरह कैसे हैं, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, लोगों की भागीदारी कितनी है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ विद्यालय दर्शन में बेड़ाधर पंचायत की मणासी की राजकीय प्राथमिक स्कूल। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो रास्ता है वो बेड़ाधर पंचायत के मणासी गांव में मणासी प्राथमिक स्कूल की ओर जाने वाला है। आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, इस रास्ते से गुजरने पर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बेड़ाधर पंचायत के मणासी में। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल मणासी लिखा हुआ। अभी 10:03 हुए हैं, 5 बच्चे हैं। अभी तक स्कूल का जो दरवाज़ा है वो खुला नहीं है, आप देख सकते हैं। टीचर अब कब तक आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। हालाँकि मैं आज सोच रहा हूँ कि पूरे दिन यहीं रुकूँ और देखूँ कि स्कूल जो है वो कैसे और कितने बजे खुलती है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, बच्चों को दूध वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, ये भी हम जानेंगे। आइए जो बच्चे हैं उनसे पूछते हैं उन्हें दूध वगैरह मिलता है या नहीं। परवीन कितनी माँ बने? चारवीं माँ को। काल स्कूल आव हो मार साहब? काल आव हो? कितना मार साहब आवे हैं? एक आवे को नैसा ही हो, कितना आवे? दूध मळे तमन? ने रोटा न हाणनु? एक के दन नहीं हुआ? दिवाली पहला आलो हो के? दिवाली पहला रोटा न हाणनु आलो एक के दन? तो दोस्तों अभी मैं हूँ मणासी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ियाँ है और साथ साथ में कमरे तो फिलहाल बंद है। 10:10 हो चुकी है और अभी मैं सोचता हूँ कि आपको यहाँ के जो बाथरूम वगैरह है वो भी दिखा दूँ। बाथरूम की क्या स्थिति है मणासी में जो प्राथमिक स्कूल है उसकी? वैसे बाथरूम तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल साफ है बाथरूम। यहाँ पर भी ये है बाथरूम, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ गंदगी है। ज़्यादा गंदगी हालांकि नहीं है, लेकिन उपयोग में नहीं किया जा रहा हो ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत क्लीन है, लगता है कि साफ किया गया है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा, ये साफ नज़र आता है। इसके अलावा ये तो शायद बालक शौचालय लिखा हुआ है। इस तरह अगर हम जाए ये कांटों में से तो गर्ल्स के लिए भी बालिका शौचालय के नाम से, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ है, अब जाने में कितनी दिक्कत होती होगी जो यहाँ पढ़ने वाली बालिका है वो तो उन्हीं को पता है। हालांकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है घूम के जाने में। एक दूसरा रास्ता भी है, शायद उस रास्ते से आते होंगे। तो लड़कियों का जो बाथरूम है वो भी क्लीन है, एकदम साफ नज़र आ रहा है। अब यूज़ नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है लॉक। अरे लॉक भी काफ़ी टाइम लगे पहला समय हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके ऊपर जो जमी हुई परतें हैं पुरानी। इसी के साथ थोड़ी देर के बाद फिर मिलता हूँ आगे का और कुछ नज़ारा दिखाने के लिए।
आप बने हुए हैं आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटा टाइम्स में। नमस्कार चंद हो रेसो रेसो को नेता मारा कौन कौन पढ़वा जाए रोसे नवर है एक सही वाली पढ़वा जाता था दो दिन तो आए हजार काट दिन शुरू के कौन ते रोशन कितनी में पढ़े नेता मार सही हो कितना है हाँ सीआर है वो नैन को है तो मोटो ते मास्टर स्कूल में आवे टाइम पर के स्कूल रोज खुले खावानो भी जो मळे स्कूल में खावानी बड़े हो बनावे खिचड़ी बनावे रोटली बनावे के दी रोटली दूध भी जुमा है कि स्कूल में दूध आले ना नहीं आता ना पहला डालता ना नहीं डाल था मेर वाले ही का ना पहला डालता हूँ ना नहीं डाल काम डालते नहीं है नहीं स्कूल अब आर कैम है ठीक ठाक है कि ठीक ठाक है परिजा भी है स्कूल से परिजा वाले तो तमे गांव वाला बता पेगा थी नागल रिपोर्ट पर के पर भाई आप आता है रिपोर्ट को आगल मोक लो ये रिपोर्ट तो मोक ले लिए तो स्कूल में मीटिंग भी थी के है वो ते आ मार साहब ने इतना दूर आ आउन ऊपर है ने रास्ता ही खराब है ये रास्ता वास्ते को नहीं करू रास्ता वास्ते करू है बत के दी थावानो को है रास्ता आदरा हाल पेला तो थावानो के ना मैंने आज तक खोला नहीं है भंडार कक्ष बना दिया कि क्या नहीं आज तक खोला ओ हो कमरा ये कुछ होगा देख के चिपका लिया कुछ और भी हो सकता है पानी गिरता होगा ना क्या और पानी तो गिरता है दोनों तो सभी तो मतलब इसको रिपेयरिंग वगैरह वो भी प्रस्ताव दिया है लेकिन अब कुछ हो नहीं पा रहा है अब ये देखो ना रिपेयर कैसे करूं इसको पूरा शॉर्ट आप ही करना होगा पानी तो बहुत ज्यादा भरता होगा और ये वाली टंकी किसकी है ये स्कूल की है पानी पीने के लिए तो इसमें कैसे पिएंगे ये तो वो पानी भर के वो रखने के लिए है लेकिन वो ये इसका यूज नहीं करेंगे छोटे वाले वो ठीक बोला है उसमें यूज करें तो बच्चे हमेशा बाहर ही बैठते हैं क्या और वो वाला ऑफिस किया है नहीं ऑफिस तो नहीं है अंदर ही बिठाते हैं लेकिन देखो ना हमेशा ले लो उधर भी ऐसा है क्या इधर भी वो नीचे तो गीला होगा गीला हो गया अभी देखो पानी अभी तक बीमार हो सकते हैं इसलिए वो ये उनका ठिकाना नहीं तो मैं कभी भी गिर सकता है नहीं बारी गिरा रहा हूँ सही किया है बाहर तो ये मतलब रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव कब दिया हुआ है प्रस्ताव तो दिया हुआ है यहाँ पंचायत में अच्छा पंचायत के थ्रू वो सीबीओ सर को ने ऐसे नहीं दिया उनको सूचना दी है मैंने ये इधर तो सलिया ही निकल गया है वही कह रहा हूँ
अच्छा ते गाय हार ने गया केत्रो जाए मैं थोड़ी स्कूल को हूं ना मैं मासरिन तो नहीं मामा मैं मासैया ना सैया दे नहीं के हां हां एक तो सुकरी रो मावा वे भी है मासरिन के रहे हूं केत्रा केत्रा बने बनाव वेरे टोकरी दाल टोकरी बनाओ हन्नू को बनाओ के हन्नू तो नहीं बनाता हन्नू नहीं बनाता दाल दाल इसमें सुखा नहीं बनाओ हन्नू किस दिस नहीं बनाओ हन्नू तो घर बनाता हूँ हाँ बराबर रोटली की दी बनावी के ते अब तो नहीं बनाता वो ते अब कैम रोटली बनाता नहीं बनाती नहीं यार साथ का भी करूंगे दाल टोकरी ते सही और रोटली खाते हैं नहीं कि था मैं बनाता नहीं सही और खाए नहीं रोटली ते को ते तम नहीं बनाता एक कैम बनाता नहीं दूध दूध ते गरम करी नालता हो को क्या के मतलब अठवारिया में कितना दिन नालो दूध बन कितना दिन हो तो है ते आगल हो कोई बन करू है के लेन आवे तो अंत में बन आवे नहीं को ते कितरू कितरू तो चला एक गलास पर ही पेसान केला नहीं वो बीजू नहीं स्कूल आत स्कूल में आज एक रूम तो आखो खराब थे गेलो है एक ही तरह दाना खराब है ते एक ही ठीक नहीं करा वो ते हाँ ते के दी मीटिंग कर इनको आगल कागज नहीं वो कोई मुखला नहीं ते मतलब आई स्कूल में पढ़ावे के बाकी पढ़ावे के ते सूटी कितना वागे करे ठीक है ला तू को नथमार करवाने सीता थमार सही को स्कूल में पढ़वा जाए मनासी में कौन कौन जाए कौन कौन जाए पढ़वा हाँ थमार थमार कौन जाए हूँ नाम है संजय ते मास्टर रोज आवे स्कूल के ना कल आवे कल आवे रे जाती दी ना सालू आए तन एने एने दन मा आवे ते टाइम पर स्कूल खुले के तू सिटी हो आवे जो हो अभी रे
खेतरा वागे स्कूल खुले ठीक है मैं बंद खेतरा वागे था तनखा तमन खबर नहीं एक जो वाके दी जाओ के सही होता मर जाए तो जो नहीं जाता खावन को हूँ बने स्कूल में हाँ रोट लेन हाँ दाल नहीं बनते हाँ नो कोई केला नहीं माल लगे दूध अब नहीं होता नमस्कार दोस्तों कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बेड़ाधर पंचायत के मनासी गांव में यहाँ की प्राथमिक विद्यालय में आया था और आइए यहाँ के टीचर हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते नमस्ते आपका शुभ नाम असोड़ा रणजीत कुमार असोड़ा रणजीत कुमार सर कहाँ से हैं आप हम खेरवाड़ा पाटिया गाँव के खेरवाड़ा पाटिया से हैं और मनासी में बच्चों को पढ़ाते हैं कितना समय हुआ सर सेवा देते हुए सात आठ महीने हुए तो मनासी आने के लिए जब मैं अपने साधन से आ रहा था तो मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो आप रोज आते हैं क्या क्या दिक्कत होती है दिक्कत तो एक तो ये रास्ते की बहुत दिक्कत है आने जाने आने में बहुत मुश्किल है ओके तो आप कैसे आते हैं पैदल या बाइक से कभी कभार पैदल भी आते हैं और कभी बाइक लेके आते हैं और आप रुक रहते कहाँ हैं यहाँ दोतड़ में रहते हैं दोतड़ में रहते हैं ठीक है और स्कूल की स्थिति कैसी है अभी स्कूल की सर मैं पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ आया हूँ हालत बिल्कुल खराब है कभी भी गिर सकती है कभी भी हादसा हो सकता है ओके तो इसके लिए SMC ऐसा कुछ प्रस्ताव लेके आपने आगे दिया हो प्रस्ताव सर आगे नहीं दिया है और पंचायत को दिया है जरूर पंचायत को दिया है तो सरपंच ने क्या रिस्पांस किया सरपंच ने तो यार आप लिख के दे दो यूं करके मांग लिया प्रस्ताव उसके बाद अब क्या पता वो क्या करें ठीक है अच्छा अधिकारी यहाँ तक आते हैं या नहीं सर हमारे यहाँ पीओ सर्कल पर है वहाँ तक अधिकारी आते जरूर ठीक है अच्छा आप यहाँ के लोगों से क्या सहयोग आपको चाहिए होता और मिलता है या नहीं यहाँ से सहयोग तो थोड़ा बहुत तो मिलता है सर 50% सहयोग मिल जाता है ओके और जैसा कि मैंने आपसे ऑफलाइन जब बात की थी यहाँ पर मिड डे मील के बारे में तो रोटी और ये दाल बाटी इस बारे में मैं जानना चाहूँगा बच्चों से जब पूछा तो बच्चों ने बोला कि हमें दाल बाटी अच्छी लगती है तो ये रोटी न बनने का कारण क्या है एक तो सर ये महिला ओवरेज है बनाने में प्रॉब्लम हो रही है दाल बाटी और चावल खिचड़ी ये सब बनता है और दूध वगैरह दूध तो ऑलरेडी मिलता है ओके कहाँ से लाते हैं मैं आता हूँ दतोड़ से अच्छा और आज खाना बनना नहीं है इसका क्या कारण है सर समाप्त हो गया इसलिए आज खाना नहीं बन पाया ओके और दूध दूध तो मिलता है दिल्ली में ठीक है और अभी आपको बहुत सारे जिम्मेवार लोग सुन रहे हैं अधिकारी सुन रहे हैं आप उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं उनको सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार ये जहाँ इस मनासी गांव है वहाँ मुलाकात लें स्कूल के बारे में जाने गांव के बारे में जाने और रोड के बारे में जाने समस्या है ठीक है सर थैंक यू तमार नाम है गमार नहीं कौन कौन पढ़वा जाए तमार सही हो स्कूल में था मैं कहो एक महिषा प्रकाश भी कौन ते केतरा में पढ़े ये तो आज पढ़े जो प्रिय है करी केतरा में है ते तेन मी मा है मगे तो मस्त है था मैं स्कूल जो वजह के दी स्कूल तो हमेशा ही से की ते स्कूल के भी खे स्कूल का कोई कम नहीं नहीं है बड़ा नहीं तो परे भी लागे से ये मरचा भी हुए भी ते मास्टर रोज आवे के स्कूल रोज आवे रजा दी बनी आ जावे पर को ते स्कूल में आको खावानो बने मळे है के रोज ये खावानो तो आले ही तो के तो ने दूध भी जो कोए दूध तो ने बनी दाल बाटी खवरा इनकी बरोबर थामे के दी जाइन का तो
તે કેમ બખે બનાવે કે બખે નહીં બનાવતા કાસુ રાખે કે તમન કોઈ એમ ખબર હે કેતરું કેતરું મળવું સાહેબ જોઈ જે ઓણન ખાવાનું ને એમ નહીં કહો સ્કૂલ માં મીટિંગ બીજી થાય કે દી મીટિંગ તો ફેર થે એમ કે બને ને હું કે રે ન તો થે એમ કે બને કે તરફ પૂરા થાય એ દિન જાતા હતા તે હેણા ની મીટિંગ હતી એમ કહે तो दोस्तों आपने देखा आज हम बेड़ादर पंचायत के मनासी स्कूल में गए थे। वहाँ की स्थिति कैसी है मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को इस स्कूल की कहानी पता चले और इसमें जो बदलाव की आवश्यकता है वो हो सके। तो आप बने हुए थे आपके अपनी दोस्त अदिति के साथ कोटाड़ा टाइम्स में। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ नए स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार।